अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोमनाज़ किचन। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल से बख़ैरियत होंगे। आज मैं जो आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी है, बीफ कीमा कटलेट्स। इनको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही यम्मी से बनते हैं। चलें जी, चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। कटलेट्स बनाने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए, सबसे पहले है मेरे पास एक पाव कीमा। मेरे पास बारीक पिसा हुआ मशीन का कीमा था जिसको मैंने बॉयल करके और चापर में हल्का सा एक सेकंड के लिए घुमा लिया था। ये देखिए, ये इस तरह बारीक पिसा हुआ है। इसके साथ मेरे पास हैं दो ब्रेड के पीसेस जिन्हें हम दूध में हल्का सा डिप करेंगे। इस तरह ये प्लेट में दूध डाल लेंगे थोड़ा सा और इसको हल्का सा इस तरह थपथपाएंगे और इस तरह इसको प्रेस करके इसमें हम डाल देंगे। दूसरे के साथ भी हम यही अमल करेंगे, हल्का सा दूध डाल के यूँ इस तरह इसको मसल के हाथों से तो इसमें हम डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे हम सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, क्रश चिली 1 टेबलस्पून, या अपने जायके के अकॉर्डिंग ले लें अगर आप ज़्यादा तिक्खी पसंद करते हैं या फिर स्पाइसी। इसके साथ 2 टेबलस्पून मेरे पास क्रश्ड ऑनियन है, प्याज जिसको कहा जाता है। इसके साथ डालेंगे हम इसमें 1 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया कटा हुआ, गरम मसाला पिसा हुआ और नमक। इसके साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा लेमन जूस, 1 लेमन था मेरे पास, इसको मैंने कट कर लिया था और इसमें हाफ जाएगा, फुल नहीं जाएगा। इन सब चीज़ों को करते हैं अच्छे से मिक्स। चाहे तो आप हाथ से कर लें चाहे स्पून की मदद से कर लीजिए, मुझे लगता है कि हाथ से ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सख्त हाथों से ज़रा इसको मसल लें। ये देखिए जी, अच्छे से मिक्स हो गया। हाथों को लगाइए आयल और कीमा अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी शेप दे लें। मैं इसे एक पत्ते की शेप दूंगी, आप लोगों की अपनी चॉइस होगी कि आप कौन सी शेप देना चाहते हैं, मगर मुझे लगता है ये वाली शेप ज़रा डिफरेंट लगेगी, तो आप इस हिसाब से रखिए। ये रखिए जी, इसी तरह मैं सारे कर लूँगी। ये देखिए जी, सबको शेप दे ली गई है। एंड पे हम इस पे करेंगे अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग। सबसे पहले ये छोटू से ही शुरू करते हैं हम। देखिए जी, सब पे ब्रेड क्रम्स और अंडे की कोटिंग हो गई है। ये बहुत ही यमी और डिलीशियस सी लुक दे रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप लेते हैं इनको फ्राई करने का। एक फ्राई पैन में देखिए मैंने ऑयल चढ़ा दिया। इसमें हम बहुत ज़्यादा ऑयल को हम पहले गर्म नहीं करेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा ऊपर से ब्रेड क्रम्स। नॉर्मल गर्म पे हम इसमें डालते जाएंगे और इसे लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। साइड इसकी लाइट ब्राउन हो जाए तो इसकी दूसरी साइड भी उसी तरह फ्राई कर लीजिए। ये देखें, बहुत ही यम्मी और डिलीशियस से लग रहे हैं। ये बहुत ही आसान सी और छोटी सी रेसिपी है, आप घर में बहुत आसानी से इसको 15 से 20 मिनट में रेडी कर सकते हैं। ये हमारे सारे ही फ्राई हो गए हैं, इनको हम अपने निकाल लेते हैं।
ये देखिए जी, हमारे बीफ कटलेट्स की फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सी लुक दे रहे हैं। ये देखिए, वीडियो अगर पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हम सब पर अपनी रहमतें, बरकतें और अनायतें नाजिल फरमाए। प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।